कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 20 हॉटस्पॉट इलाकों को किया गया सील। मरकज मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती पश्चिमी निजामुद्दीन में जी और डी ब्लॉक सील, जहांगीरपुरी में बी ब्लॉक भी हॉटस्पॉट। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के कुछ पॉकेट, पुरानी सीमापुरी के जी एच जे ब्लॉक सील, द्वारका और संगम विहार में भी कुछ हॉटस्पॉट पूरी तरह लॉक। वसुंधरा एनक्लेव का मनसारा अपार्टमेंट और मालवीय नगर में गांधी पार्क सील, मंडावली और पांडव नगर के भी कुछ इलाके किए गए शामिल। आईपी एक्सटेंशन के दो अपार्टमेंट हॉटस्पॉट, साउथ दिल्ली में कोरोना की वजह से दो इलाके सील। दिल्ली में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, बिना मास्क पहने घूमने पर होगा एक्शन। दिल्ली में सरकारी विभागों में तनख्वाह के अलावा सभी खर्च रोकने का निर्देश, सरकार अपने खर्चे में करेगी भारी कटौती। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर और दो नर्स कोरोना पॉजिटिव, अब तक तीन डॉक्टर समेत 21 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले मेडिकल स्टाफ की होगी जांच। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक घर के तीन लोग कोरोना पॉजिटिव, घर के गार्ड का मरकज कनेक्शन। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 15 जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट बने इलाके 14 अप्रैल तक सील, मास्क लगाना हुआ जरूरी। योगी सरकार ने की है 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट की पहचान, पूरे जिले की नहीं होगी सीलिंग, नए प्रतिबंध लागू। सीलिंग वाले इलाके में नहीं दी जाएगी कोई रियायत, लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी, डॉक्टर मीडियाकर्मियों के आने जाने पर छूट। सीलिंग वाले इलाके में घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान, योगी सरकार ने दिलाया लोगों को भरोसा। सील किए गए इलाके होंगे सैनिटाइज, ड्रोन से रखी जाएगी नजर, इन इलाकों में राशन की दुकान से लेकर बैंक तक बंद। सीलिंग वाले इलाके में रद्द किए जाएंगे सारे कर्फ्यू पास, सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों को छूट। इससे ज्यादा कोरोना वाले इलाके को माना गया हॉटस्पॉट, आगरा नोएडा में 22, गाजियाबाद में 13, कानपुर में 12 इलाके होंगे सील। चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मियों को आने जाने की छूट, यूपी प्रशासन ने जारी की है गाइडलाइंस। हॉटस्पॉट से जुड़े इलाके में अस्पताल जाने के लिए सिर्फ एम्बुलेंस का ही प्रयोग, सभी एसपी एसएसपी हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती से कराएंगे पालन। सीलिंग वाले इलाके में सख्त हुई पुलिस, नोएडा के सेक्टर 74 में सोसाइटी के अंदर लाउडस्पीकर से लोगों को घर में रहने को कहा। यूपी के सहारनपुर में कोरोना के 4 हॉटस्पॉट चिन्हित, सभी को किया गया सील। मेरठ में कोरोना के 11 हॉटस्पॉट सील, प्रशासन ने कहा नियम ना मानने पर होगी एफआईआर। आगरा में 22 इलाके पूरी तरह से सील, बैंक दुकानें सब बंद, 3 हॉस्पिटल भी बने हॉटस्पॉट। वाराणसी में गंगापुर मदनपुरा समेत 4 इलाके सील, घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान। लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में कल रात लगी आग, मरीज सुरक्षित, आग पर पाया गया काबू। 14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने बताई जरूरत। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में बताया सोशल इमरजेंसी, कहा हर हाल में हर किसी की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, लॉकडाउन को लेकर होगा आखिरी फैसला। देश में अब तक 1,27,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, आईसीएमआर ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 650 से ज्यादा केस, 9 की मौत, अकेले मरकज से 426 केस सामने आए। देश में 5,000 के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में सामने आए 773 नए मरीज। देश में अब तक 149 लोगों की जान ली चुका है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 1,135 पर पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सामने आए 117 मरीज, अकेले मुंबई में कोरोना के 72 नए मामले, धारावी में 13 केस से हड़कंप। यूपी में 361 हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले, जमात से जुड़े 195 केस पॉजिटिव। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इंदौर, भोपाल और उज्जैन शहर आज से पूरी तरह सील। महाराष्ट्र में अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, बिना मास्क के बाहर निकले तो होगी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में भी अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों ने किया फैसला।
कोरोना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश, निजी लैब में भी हो मुफ्त में टेस्ट की सुविधा। सुखपुर में आतंकी के जनाजे में शामिल हुए लोगों पर केस दर्ज, लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने का आरोप। बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम उरानी भी कोरोना पॉजिटिव, दोनों बेटियां भी कोरोना की चपेट में। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जारी किया वीडियो, जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे लोगों को किया सलाम। दिल्ली में हौस खास में सफदरजंग अस्पताल की दो महिला डॉक्टर्स पर पड़ोसियों ने किया हमला, कोरोना फैलाने का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बंगाली मार्केट पर कोरोना का खतरा, आज से सीमित समय के लिए ही खुलेंगी दुकानें। मौत पर भी दिख रहा है लॉकडाउन का असर, यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक महिला ने के आखिरी विदाई में शामिल हुए रिश्तेदार। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक संजीव ने तोड़े लॉकडाउन के नियम, मंदिर में पांच परिवारों के साथ किया यज्ञ। बाड़मेर में मरकज से जुड़े जमातियों को प्रशासन की चेतावनी, 10 अप्रैल से पहले सामने आकर दे जानकारी, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी बड़े कोरोना के कदम, एक और युवक के पॉजिटिव होने से जिले में अब 3 मरीज। महाराष्ट्र के अकोला में चौंकाने वाला मामला, कोरोना पॉजिटिव मरीज के बंद घर में चोरी, चोर के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका। कोरोना से जंग में तकनीक की मदद, रायपुर में ड्रोन से किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। देहरादून में भी कोरोना की हॉटस्पॉट बन चुकी है कॉलोनियां सील, शहर में सर्दी की दवा बेचने पर लगा प्रतिबंध। नासिक में मोबाइल मिल्क एटीएम की शुरुआत, घर जाकर लोगों को दिया जा रहा है दूध। बारामती में दो छोटी बच्चियों समेत एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरे फरीदाबाद में 13 इलाके सील, सभी की होगी स्क्रीनिंग, घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान। जैसलमेर का पोखरण इलाका बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक दिन में 13 नए मामले आने से हड़कंप। भोपाल के पास रायसेन जिले में कोरोना का पहला मामला, जिले में लगाया गया कर्फ्यू। दिल्ली में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जिप्सी में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रात के समय साइकिल पर निकले डीआईजी, लॉकडाउन में की पुलिस के काम की निगरानी। पंजाब के तरन तारण में किसान की खुदकुशी, कर्फ्यू लगने से ठप हुआ कामकाज, कर्ज की मजबूरी में दी जा रही। यूपी के हमीरपुर में अनोखा नजारा, गलियों से गुजर रही पुलिस पार्टी पर स्थानीय लोगों ने छतों से बरसाए फूल। असम में शिव सागर में शराब की दुकान में लूट, लाखों की शराब चोरी। गोवा में 330 ब्रिटिश नागरिक अपने वतन लौटे, स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए विदेश। कोरोना से जंग में ओडिशा को राहत, दिल्ली से स्पेशल विमान से पीपीई किट भेजी गई। दुबई से हैदराबाद आए एमिरेट्स की फ्लाइट, दवाइयां और जरूरी सामान यूएई भेजे गए। तेलंगाना के खम्मम इलाके में चरवाहों ने बकरियों तक को पहनाया मास्क, न्यूयॉर्क में टाइगर को कोरोना होने के बाद बढ़ती सावधानी। अलवर में शराब की दुकान लूटने आए 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार कार जब्त। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान संपन्न हुई शादी, मंदिर में सिर्फ दूल्हा दुल्हन रहे मौजूद। यूपी के फरुखाबाद में एक गांव के अंदर सख्ती से लॉकडाउन का पालन, बाहरी लोगों को गांव में घुसने से रोक रहे हैं लोग। गुरुग्राम का रायपुर गांव पूरी तरह से सील, मरकज से जुड़े 16 लोग आए थे गांव, 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिजनौर में जिला अस्पताल को किया गया सैनिटाइज, अस्पताल में लगातार बढ़ रही है कोरोना संदिग्धों की संख्या। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिल्ली सटे गुरुग्राम में ऑड इवन फॉर्मूला, सब्जी मंडी में होगा लागू। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ जंग में की बड़ी अपील, सेना से रिटायर्ड हुए डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगी मदद। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी, लोगों को अंदर रहने की नसीहत। सामने आया तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद का पता ठिकाना, सूत्रों का दावा, दिल्ली के जाकिर नगर में ले रखी है शरण। एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर से जुड़े 30 मेडिकल स्टाफ क्वारंटीन, 72 साल के मरीज के संपर्क में आने से कोरोना की आशंका। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में राशन ना मिलने से उमड़ी भीड़, तोड़ा गया लॉकडाउन नियम। शबे बारात में दिल्ली पुलिस ने की घर से इबादत करने की अपील, अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर। कानपुर में बदतमीजी करने वाले जमातियों को सीएफसी में किया गया शिफ्ट, 24 घंटे रखेगी नजर।
दिल्ली सटे गाजियाबाद में तीन जमाती खुद पहुंचे पुलिस स्टेशन, पुलिस ने भेजा अस्पताल। बरेली में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 42 लोग गिरफ्तार, प्रशासन ने कहा सब पर लगेगा एनएसए। चंदौली में आरपीएफ के कांस्टेबल रशीदा बानो के देशभक्ति गीत पर झूमे सहकर्मी और सफाईकर्मी, बरसाए फूल। पटना के आलमगंज इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस का एक्शन, जमकर भांजी इलाके। पटना में बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए लगी लंबी लाइन, लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंदौर में 213 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, एक दिन में 40 नए केस, अब तक 21 की मौत। इंदौर में नहीं थम रही पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा, चंदन नगर इलाके में पुलिस पर किया हमला। एसबीआई ने बजट खाते पर ब्याज दर में 4.5% की कटौती की, अब पहले के 3% के मुकाबले मिलेगा 2.75% ब्याज। सरकार की मदद के बिना 25% रिटेलर्स की दुकान पर लग सकता है ताला, जताई 6 महीनों तक लॉकडाउन का असर रहने की आशंका। अमेरिका में ओयू ने कर्मचारियों को अस्थायी छुट्टियों पर भेजा, भारत में लॉकडाउन तक करते रहेंगे काम। पेट्रोल डीजल की बिक्री में गिरावट से टेंशन में तेल कंपनियां, सतारा है नुकसान का डर। बीमा कंपनियों ने शुरू की एक्सक्लूसिव कोविड-19 पॉलिसी, डिजिटल पेमेंट कंपनियों से की साझेदारी। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 14 लाख से 30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना की वजह से बेकाबू हो रहे हैं अमेरिका के हालात, पिछले 24 घंटे में 2,000 लोगों की मौत, 12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, करीब 4 लाख लोगों में जानलेवा वायरस का संक्रमण। अमेरिका में न्यूयॉर्क है कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, 5,500 मौत और 1,40,000 लोगों में बीमारी का संक्रमण। आईसीयू में बैठे इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन की दूसरी रात, डॉक्टर्स का दावा स्थिर है हालात। एसक्यू दवा की सप्लाई देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया पीएम मोदी का शुक्रिया, ट्वीट कर लिखा ये मदद नहीं भूलेंगे हम, पीएम मोदी को बताया मजबूत नेता। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर लगाया चीन का समर्थन करने का आरोप, फंडिंग बंद करने के लिए धमकी। अमेरिका में अगले हफ्ते तक उपलब्ध होंगे 1,10,000 वेंटिलेटर, ट्रंप ने दिलाया भरोसा, कहा इंग्लैंड ने मांगे 200 वेंटिलेटर। इंग्लैंड में 55,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की तादाद, करीब 800 लोगों की मौत। स्पेन में भी 5 दिनों बाद फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 743 लोगों की मौत, अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।